सर so, विवाहान आगे कौन नए वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में बनाने वाले हैं हम ईयर रिंग वो भी वेस्ट बैंगल से सुनने में अजीब लग रहा है बट वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा बहुत मजा आने वाला है बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था सो so, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा सो so, यहाँ पर मैंने ले लिया है अपनी लेस कोटा पट्टी वाली लेस और उसके बाद यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा लिया अपने बैंगल के ऊपर एंड अच्छे से यहाँ पर लेस को हम रैप कर देंगे अपने बैंगल पर ऐसे रैप करना है कि गैपिंग ना आए और यहाँ पर मैंने क्या किया था कि वो सेगमेंट मुझसे डिलीट हो गया वो नहीं आ पाया यहाँ पे तो यहाँ पर मैंने किया था ये कि मैंने लेस को लाइटर की हेल्प से हल्का सा उसको जला दिया था ताकि वो लॉक हो जाए उसके धागे निकले नहीं क्योंकि इस वाली लेस के धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं सो यहाँ पर अच्छे से रैप कर लेना है रैप 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 करने के बाद हमने यहाँ पर लेना है कुंदन वाले स्टोन्स सो वो भी अभी आपको आगे दिखेगा कि कौन वाले कुंदन वाले स्टोन्स लिए हैं यहाँ पे जो भी मटेरियल मैंने यूज़ उस किया है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड अगर आपको अगर ये लॉन्ग वीडियो देखने में बोर हो रहा है तो आप जाके शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो सो so, यहाँ पर ये हमारे बैंगल के ऊपर लेस लग के रेडी हो गई है अच्छे से लेस रैप हो गई है अब हमने ले लिया यहाँ पर द फैब्रिक ग्लू एंड फैब्रिक ग्लू को अच्छे से हमने अपने बेस पे लगा लिया यानी कि अपने बैगल पे लगा लिया देन उसके बाद मैं ये वाले कुंदन स्टोन की बात कर रही थी यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पेश कर लिया है सो so, यहाँ पर मैं पहले ग्लूगन की स्टिक से पेस्ट कर रही थी बट उससे हो नहीं पाया था देन मैंने अपना पेंटिंग ब्रश ले लिया एंड पेंटिंग ब्रश से वापस से मैं अपना इसके ऊपर पेस्ट करने लगी बट उससे भी अच्छे से नहीं हो रहा था तो प्लीज़ आप लोग कोई अगर बेटर वे है यहाँ पे स्टोन्स को अच्छे से लगाने का तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मुझे हेल्प हो जाए और मेरा काम ईजी हो जाए सो so, यहाँ पर ये अच्छे से स्टोन्स लगाने के बाद हमने मेजरमेंट कर लेना है मीन्स यहाँ पर हमने एक लेयर लगा दी एक पार्ट लगाया स्टोन का देन यहाँ पर हम अपने इंच टेप से मेजर कर लेंगे सो भी आप आगे देखोगे कि मैंने किस तरह से मेजर किया हुआ है मैंने वन से टू इंचेस तक में अपना इस्टोन्स लगाया देन पॉइंट एट का गैप दिया देन अगेन वन टू इंचेस तक का स्टोन्स लगाया देन अगेन पॉइंट एट का गैप दिया सो यहाँ पर मैंने सिक्सटीन या एटीन स्टोन्स कुछ लगाए थे आई डोंट रिमेंबर तो या इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको मेजरमेंट कर लिया था मेजरमेंट करने से ये होता है कि आपका जो स्टोन्स होता है गैपिंग एक बराबर आती है फिनिशिंग रहती है नीटनेस रहती है सो so, बस ये था मेजरमेंट करने का तरीका सो so, अगर आप बना रहे हो तो आप भी प्लीज़ मेजरमेंट करके ही बनाना क्योंकि मेजरमेंट करने से फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है नीटनेस रहती है आपके वर्क में आप यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों पार्ट में मैंने कितना कितना गैप दिया है अगर आप ज़्यादा गैप देना चाहते हो तो आप स्टोन को कम कर देना और अगर आप इसको पूरे में लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो बट मुझे यहाँ पे शायद जो गैपिंग है यहाँ पे मेरे को फ्लावर्स लगाने थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे में नहीं लगाया सो so, ये कुछ इस तरह से हमने कर लिया है ये बन के रेडी हो गया अब हमने ले लिया है रिबन वाले फ्लावर्स एंड फ्लावर्स को यहाँ पर हम कर लेंगे कट एंड फ्लास्क कट करने के बाद हम यहाँ पर अच्छे से इसको ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे सो so, यहाँ पे ले लिया जंप रिंग जम्परिंग जम्परिंग हम अपने बैंगल के सेंटर में इस तरह से लगा लेंगे देन यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ऑक्सीडाइज स्टड आप कोई भी नॉर्मल स्टड ले सकते हो आप यहाँ पर ईयर हुक भी लगा सकते हो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू आपकी मर्जी आप उसको किस वे में बनाना चाहते हो आप यहाँ पर अपना आइडियाज़ अपना क्रिएशन ऐड कर सकते हो सो so, ये हमारा स्टड लग गया है देन अब हमने लेना है ग्लूगन एंड ग्लूगन की हेल्प से हमने अपने फ्लार्स के यहाँ पर पेस्ट कर लेना है सो तो ये दोनों गैपिंग के बीच में मैंने अपना ग्लू लगा लिया एंड देन यहाँ पे फ्लार लगा लिया एंड फ्लार के ऊपर हल्का सा ग्लू लगा के देन उसके ऊपर भी मैंने कुंदन वाले स्टोन जो थे जो यहाँ पे बेस पे लगाए हैं उसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया है और ये हमारे ब्यूटीफुल से बैंगल बन के रेडी हो गए तो आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो वो भी जल्दी से जाके ऑन कर लीजिएगा मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय